हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचवटी एक्सप्रेस के बारे में। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी रिसेंट में पंचवटी एक्सप्रेस का सैटरडे को डिटैचमेंट हो गया था पासरा रेलवे स्टेशन के पास। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ नासिक मुंबई पंचवटी एक्सप्रेस के बारे में, जिसका सैटरडे को मॉर्निंग में कासरा रेलवे स्टेशन के पास डिटैचमेंट हो गया था। कोई पैसेंजर को तो इंजरी नहीं हुआ और ट्रेन को 40 मिनट के बाद फिर से शेड्यूल कर दिया गया। ये ट्रेन डी अटैच हो गया था कासरा घाट सेक्शन के पास। इसमें कोई पैसेंजर को इंजरी नहीं हुआ और ट्रेन को 40 मिनट के बाद रवाना कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हो, इस ट्रेन को फिर से कपलिंग किया जा रहा है और आप भीड़ देख सकते हो, सभी लोग थोड़े से डरे हुए हैं। और डरे क्यों ना, जैसा ऐसा इंसिडेंट होगा तो लोग डरेंगे ही, लेकिन अभी आप देख सकते हो किसी को भी पैसेंजर को चोट नहीं लगा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। एंड यहाँ पर ट्रेन कपलिंग हो रहा है और कपलिंग हो जाएगा थोड़ी देर में। सभी लोग अपना कैमरा निकाल लिया, रिकॉर्डिंग कर रहा, ट्वीट करेगा, पोस्ट करेगा, फेसबुक पर डालेगा। एंड देख सकते हो आप भीड़ कैसा है, और यहाँ पर पुलिस भी आया हुआ और RPF भी है। पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मनमाड़ रेलवे स्टेशन से चल के नासिक डिस्ट्रिक्ट की ओर आ रही थी, कासरा रेलवे स्टेशन के पास अनकपल्ड हो गई और ये ट्रेन मुंबई से 128 किलोमीटर की दूरी पे थी। गाइज, इसमें अच्छा बात है कि कोई भी पैसेंजर को चोट नहीं लगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है और बहुत सारे वीडियोस में आप देखते होंगे कि कपलिंग के पास कभी भी मत बैठा कीजिए। आज इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा कैसे डिटैच हो गया, अगर मान लो वहाँ पे कपलिंग पे कोई बैठा रहता है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि ट्रेन के पास ना बैठे, कपलिंग के पास ना बैठे, तो प्लीज़ ऐसा सेफ्टी का ध्यान रखें। अभी कोई कपलिंग के पास बैठा रहता तो उसका जान जा सकता था, लेकिन नहीं, वैसा नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लीज़ यार, आप कपलिंग पे, मैं देखता हूँ कपलिंग के पास बहुत लोग बैठते हैं, तो अगर आप बैठ रहे हो तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे आपकी जान भी जा सकती है। सीट है भाई, सीट पर जाके बैठ जाओ, ट्रेन के अंदर जाके खड़ा हो जाओ अगर सीट नहीं मिल रहा, बट कपलिंग के पास और डोर के पास ना बैठे आप। यहाँ पे सारे यात्री ट्रेन से उतर गए हैं और अभी ट्रेन को कपल किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई आदमी अभी ट्रैक पे ना हो कपलिंग के बीच में, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो आप RPF भी है। जितने भी पैसेंजर है उनको कपलिंग प्लेस से दूर रखा जा रहा है। ये काम रेलवे का है तो ये काम रेलवे को किया जा रहा है। बहुत सारे पैसेंजर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आगे जा रहे हैं, बट उनको रोका जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ट्रेन आ रही है। तो जिनका कपलिंग काम है उनको काम करने दीजिए, और आप थोड़ा दूर से देख सकते हैं। यहाँ पे सारे पैसेंजर है जो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, और जो ये दो सीट के बीच में जो जहाँ पे कपलिंग ब्रेक हुआ है उस बोगी से सारे पैसेंजर उतर गए हैं। पता नहीं गाइज अपने इंडियन रेलवे को किसका नज़र लगा हुआ है, जो कि रोजाना ऐसे हादसे हो रहे हैं। हालांकि इस हादसे में किसी का जान नहीं गया, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, बट यार ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रिसेंटली अभी एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और अभी ये हादसा। यहाँ पे दो ट्रैक है तो यात्री लोग को भी बोला जा रहा है रेलवे पुलिस के द्वारा कि इस ट्रैक पे आप खड़ा ना रहें, साइड में खड़ा रहें, जो कि सही बात है। उस ट्रैक पे अगर ट्रेन आ गई तो वहाँ पे हादसा होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो गाइज, ये है कपलिंग प्लेस जहाँ पे कोई भी यात्री को नहीं बैठना चाहिए। जैसे यहाँ पे आंटी बैठी है, कृपया आप ना बैठें। गाइज, आप इस वीडियो को भले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, पर ये वीडियो को इतना लोगों को शेयर कर दो कि उनको पता चल जाए कि कपलिंग के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कपलिंग के पास बैठना बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है। ऐसे कपल किया जाता है ट्रेन को, जैसा कि आप देख सकते हैं।